तो किसान भाई ने फाइनली आपको पता चल गया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त यानी 16वीं किस्त जो है वो जारी हो चुकी है। 15वीं और 16वीं किस्त यानी दोनों किस्तें जारी हो चुकी हैं। आपको पता होगा 28 फरवरी 2024 को जो पैसा है वो आपके खाते में पहुंच गया होगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। यहाँ पर बात आती है कि काफ़ी सारे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं मिला, तो क्यों नहीं मिला है, क्या रीजन रहा है, मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ के साथ में सब कुछ दिखाने वाला हूँ। काफ़ी सारे किसान भाइयों ने मुझे यहाँ पे कमेंट्स किया है कि सर हमें पैसा नहीं मिल रहा है, हमारे खाते में भी पैसा एक भी किस्त का नहीं आया है। काफ़ी सारी स्टेटों से मेरे को यहाँ पर जो मैसेज है वो आना स्टार्ट हो गया है। तो पहले हम यहाँ पर एक चेक करते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर CSC में जाके, और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर आधार नंबर और ये जो कैप्चा दिख रहे हैं इसको यहाँ पर हम फिल करेंगे। दोनों को फिल करने के बाद देखते हैं इनके स्टेटमेंट में क्या दिखाता है, क्यों इनको पैसा नहीं मिला है। मैं अभी आपको सब कुछ यहां पर लाइव प्रूफ के साथ में दिखाने वाला हूं। तो जैसे यहां पे हम आधार नंबर जो देख रहे हैं आप यहां पर आधार नंबर और ये कैप्चा फिल करेंगे तो यहां पर जो भी डिटेल्स होगी वो यहां पर शो कर देगा और आपके फॉर्म में क्या प्रॉब्लम है वो भी यहां पर दिखा देगा। तो काफी बड़ा अपडेट है यहां पर किसान भाइयों, पहले यहां पर नहीं होता था बट अब यहां पर अगर आप चेक करेंगे तो 100% आपकी जो भी समस्या होगी वो समस्या आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर हम डालकर और चेक करके देखते हैं कि किन किन किसान भाइयों को पैसा मिला हुआ है और उनका स्टेटस भी क्या है। काफ़ी बड़ा अपडेट है किसान भाइयों, जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे पूरी डिटेल्स डालेंगे तो सब कुछ आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो आपको सबसे पहले तो यही करना है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट में आ जाना है और यहाँ पर आपको पीएम जो आपका 153 स्टेट ऑफ CSC वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सीधे इस इंटरफेस पर आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं सीधा ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट यहाँ पे हमने ओपन कर रखी है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि काफी सारे किसान भाइयों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिला है। तो क्यों नहीं मिला है, क्या रीजन रहा है, चलो हम आपको चेक करके पूरी डिटेल्स यहाँ पर दिखा देते हैं। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर हम किसान भाई का मोबाइल नंबर है और आधार नंबर है उसको डालकर हम आपको दिखा देते हैं। सिक्योरिटी के लिए बिलर रहेगा किसान भाइयों, और बिलर रहने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्मर रजिस्ट्रेशन थ्रू CSC का जो ऑप्शन है हमने इसको ओपन कर लिया है और यहां पर हम क्लिक करके देख लेते हैं। तो जैसे ही हम यहां पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहां पे इनकी पूरी डिटेल्स जो है वो निकल कर आ जाएगी। अब यहां पर आप देख सकते हैं फॉर्मर नेम वेरीफाइड अपलोड खतौनी, यानी जो खतौनी यहां पे अपलोड करी गई थी उसमें किसान का जो नाम है वो वेरीफाइड हो चुका है और अप्रूवल बाय स्टेट एंड टोकन फॉर फ्यूचर प्रोसेस, यानी जो हमारा रजिस्टर नंबर है उसके लिए इन्होंने भेज दिया है कि ये प्रोसेस में हो गया है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि टोकन है वो जनरेट यहाँ से कर दिया गया है और जिससे इस किसान भाई को अब की बार जो है पैसा 100% मिला होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं इनका जो टोकन है जिसे हम रजिस्टर नंबर कहते हैं वो रजिस्टर नंबर भी यहाँ से जो है वो प्रोसेस में दे दिया गया है। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो जो है वो पहले शूट किया था और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो इनको यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है उसका पैसा भी यहाँ पर इनके खाते में आ गया है। अगर आपका भी ऐसा आ रहा है या फिर और किसी प्रकार का आ रहा है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं क्योंकि मैं आपकी यहां पर हेल्प करने के लिए भी तैयार रहूंगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं फॉर्मर नेम आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी जो कि सारा कुछ यहां पर बिलर रहेगा किसान भाइयों। आप यहां पर देख सकते हैं आधार नंबर के कुछ ही अंक दिखेंगे, मोबाइल नंबर भी दिखेगा, आपको सब डिस्ट्रिक्ट क्या है वो भी आपको यहां पर देखने को मिलेगी, स्टेट क्या है वो भी आप मिलेगी। आप किसी भी स्टेट से हैं और आपको पैसा नहीं मिला है तो आप हमें यहां पर कमेंट्स कर सकते हैं जिससे हम आपकी यहां पर हेल्प करें। काफी सारे लोगों की मैंने यहां पर हेल्प की है। उसके बाद में रजिस्ट्रेशन की डेट भी आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है। रजिस्ट्रेशन की डेट को देख के भी काफी सारे किसान भाई कंफ्यूजन है कि हमें कितनी किस्त का पैसा मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर अभी आगे बताऊंगा। और उसके बाद में आपने यहाँ पे सारा कुछ देख लिया और उसके बाद में फार्मर यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे कभी कभी ये लिखा हुआ आता था खतौनी अपलोड करें या फिर ओके है या फिर आपका रिजेक्ट कर दिया गया है, सारा कुछ यहाँ पे इस डिब्बे में आपको देखने को मिलेगा जो कि फॉर्मर नेम वेरीफाइड अपलोड खतौनी में जो नाम दिख रहा है आपको इसी प्रकार का यहाँ पे ही ऑप्शन देखने को मिलता है। यानी जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और स्टेटस में भी आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी स्टेटस होगा जैसे आपका रिजेक्ट कर दिया गया है या फिर खतौनी अपलोड नहीं है या फिर स्टेट से रिजेक्ट हो गया है या फिर तहसील से रिजेक्ट हो गया है या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक हो गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट से भी हो गया है, जहां से भी आपका ये रिजेक्ट हो गया है उसका नाम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा कुछ आपको यहां पर जाकर चेक कर लेना है कि आपको पैसा क्यों नहीं मिला है, क्योंकि अगर 16वीं इंस्टॉलमेंट तो यहां से रिलीज हो गई उसका पैसा नहीं मिला। तो चलो अब मैं आपको आगे का इंटरफेस इनका दिखा देता हूं कि इनका आगे का स्टेटस क्या दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही हम यहां से बैक करके और नया आएंगे तो यहां पर देख सकते हैं इनकी लैंड शीडिंग भी यस हो गई है और EKYC भी यस हो गई है और यहां पर आधार शीडिंग की बात करें तो ये भी यस हो गई है और यहां पर जो कि किस्त का
का पैसा है वो इनको यहाँ पर रिसीव भी हो गया है, यानी 24 घंटे में ये अपडेट हो गया और अपलोड भी हो गया और इन्हें रजिस्टर नंबर भी मिल गया, सारा कुछ यहाँ पर इनको मिल गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं लैंड शेडिंग यस है, EKYC भी यस हो चुकी है और आधार शेडिंग। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने रजिस्ट्रेशन 2019 में किया था और ये वन फैचरी जो है वो 2024 में मिली है, तो हमें पैसा कितना मिलेगा? तो मैं आपको बता दूं, जो भी रजिस्ट्रेशन की डेट होगी वही आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा, यानी रजिस्ट्रेशन की डेट यानी जो रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा उससे। तो ये 2024 में हुआ है तो यहाँ पर आपको एक ही किस्त का पैसा मिलेगा, बाकी जो ओल्ड किस्तें हैं उनका पैसा आपको यहाँ पर रिसीव नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं FT जो है इनका यस हो चुका है, यानी इसका मतलब है कि इनको 100% PM किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है वो इनके खाते में आ गया है। इन्होंने मेरे को मैसेज भी किया था कि सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो कि हमें यहाँ पर पैसा मिल गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इसी प्रकार से आपको भी अपनी डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर लेना है और यहाँ पर जो भी आपकी समस्या है, दिक्कतें हैं, जो कि पैसा आपको नहीं मिल रहा है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपकी यहाँ पर हेल्प करने के लिए भी तैयार रहूंगा। जब तक आपकी लैंड शीडिंग और EKYC और आधार शीडिंग ये तीनों सही नहीं होंगी, जब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा नहीं दिया जाएगा। और अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को अगर अपलोड नहीं किया है तो उनको भी आप अपलोड कर लीजिएगा, अपलोड करने के बाद तहसील से वेरीफाइड करवा लीजिएगा, वेरीफाइड हो जाएगा तो वो स्टेट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पर पहुँच जाएगा, जिससे 3-4 दिन में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। आप यहाँ पर बड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा है तो आप जल्दी से जाइएगा और इन सारे कामों को कर लीजिएगा, नहीं तो आपको आने वाली इंस्टॉलमेंट है का पैसा भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे काफी बड़ा अपडेट था किसान भाइयों की, जो किसान भाई हैं जो मेरे को कमेंट्स कर रहे थे कि सर हमें पैसा जो है वो नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में हमें क्या करना है, तो मैंने आपको सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। आपके मन में कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई भी परेशानी है और इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको अगर नहीं मिला है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे तो मैं आपकी यहाँ पर हेल्प भी करूंगा, क्योंकि यहाँ पे 16वीं किस्त जो है वो यहाँ पे जारी हो चुकी है और उसकी अगर बात की जाए, जो कि किसानों को 15वीं इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है, अगर बात की जाए सभी किस्तों की, तो किसानों के खाते में जो है वो 32,000 रुपये की जो रकम है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर आप इनका भी देख सकते हैं, जो कि FTO की बात करें तो प्रोसेस में नो दिखता है वो भी आपको यहाँ पर यस दिख रहा है, पेमेंट स्टेटस में भी आप देख सकते हैं पेमेंट मोड है। अभी यहाँ पर स्टेटस की बात करें तो स्टेटस अभी अपडेट नहीं हुआ है, क्योंकि कल ही किस्त पड़ी है तो थोड़ा सा बिम है और एक दो दिन में यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और इन किसान भाई को 100% PM किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिला है, इनके खाते में आ गया है। मगर अभी PM किसान योजना के जो पोर्टल है यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, यहाँ पे अपडेट होने में 48 घंटे लग जाते हैं, 48 घंटे के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इनको इंस्टॉलमेंट का पैसा देखने को मिल जाएगा। और सारी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं, बस एक ही इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, जिनका 2024 में अगर रजिस्ट्रेशन तैयार हुआ है तो उनको एक ही इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा, बाकी जो पीछे की किस्तें थी उनका पैसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो किसान भाइयों आ गया होगा आपकी सारा कुछ समझ में, कोई मन में कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा, हम आपकी यहां पर फ्री में हेल्प करेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी।